हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन एयरफोर्स के 14 मार्च से मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जीके के, और साथ में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊँगा जो हर क्वेश्चन से संबंधित हो रिलेटेड जो 3-4 क्वेश्चन और बनेंगे जब एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो इससे मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नहीं, पूरे विश्वास साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब की डिस्कशन करूँगा। डिस्कशन इन द सेंस कि एक क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उससे रिलेटेड मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा। तो इस तरह से अगर इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम में आपको 10-50 क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहाँ पे लगभग 60-70 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, बस आपको इस सीरीज को कंटिन्यू देखना है पूरे बिलीव के साथ। ठीक है, और लास्ट तक देखना है, बिकॉज आप क्या करते हो कि किसी भी वीडियोज़ की आप वैल्यू तब होती है जब आप उसको लास्ट तक देखें, तब उसको आप उसे क्या क्या नॉलेज मिला आपको तब समझ में आती है। तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पर देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम जो आपको 14 मार्च को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में उसमें पूछा गया था। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको केवल मैं इससे नहीं, इस क्वेश्चन से संबंधित और भी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ये ना आके कोई दूसरा क्वेश्चन दूसरा चला है इससे संबंधित, तो उन सारे फैक्ट्स को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है विश्व बैंक का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो अब इसका स्थापना कब हुआ था? 1944, आपको याद रखना है। सबसे बड़ी उपाय है, अच्छा उपाय है कि मैं आपको बताऊँगा कि कॉपी और पेन ले लीजिए साथ में, जैसे बता रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँगा उसको नोट करते जाइए, और एग्जाम से पहले आप इसको रिवाइज कर जरूर जाइए, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था। और इसका भी अभी इसका अगर बात करूँ तो इसका अध्यक्ष कौन है? डेविड मलबास। कौन है? डेविड मलबास। अच्छा, ये विश्व बैंक जो है वो एक दीर्घकालीन ऋण देता है, तो भी पूछ सकता है कि विश्व में दीर्घकालीन ऋण देने के लिए कौन सा बैंक फेमस है, तो यहाँ पर हो जाएगा विश्व बैंक। कौन देता है? तो विश्व बैंक देता है। अच्छा, अब ये तो विश्व बैंक का पूछा था, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2-3 ऑर्गेनाइजेशन और जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, अच्छा इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रेस अधानोम। कौन है? टेड्रेस अधानोम। अच्छा, अब बात करूँ IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। तो देखिए, विश्व बैंक का और IMF का हेडक्वार्टर दोनों का कहाँ है? वाशिंगटन DC में। अच्छा, अब बात करते हैं जो यहाँ पे शहर आ रहा है वाशिंगटन DC, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ये किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो ये किस नदी किनारे बसा है? पोटा नदी। कौन नदी है? पोटा नदी। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ ही मैं आपको वाशिंगटन DC तो हो गया, लेकिन यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी याद करना होगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, तो पेरिस कहाँ है? पेरिस को पता ही है, इंग्लैंड में। अच्छा, यहाँ पे पेरिस की बात हो रही है, तो पेरिस में देखिए, पेरिस जो है यहाँ पे ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये आपका सी नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? पेरिस आपका सी नदी किनारे बसा हुआ है। तो ये इतना चीज़ आपको केवल एक क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा गया था कि कागज़ का खोज कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, लेकिन आपको केवल इससे काम नहीं चलेगा। अब देखिए, अगर चीन की बात हो रही है तो चीन और भारत के बीच एक रेखा है, इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, आपको याद रखना है, बहुत एग्जाम में पूछता है एयरफोर्स में, नेवी में। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड में भी पूछ चुका है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैकमोहन हो गया, तो आपको ध्यान रखना। अच्छा, रेड क्लिफ लाइन किसके साथ है? भारत और पाकिस्तान के साथ। अब देखिए, चीन का यहाँ पे एक इनका चीन में यानी कहा है बीजिंग। ठीक है, बीजिंग है, और चीन का राजधानी बीजिंग हो गया, और यहाँ पे इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो किसने की थी अमेरिका की खोज? किसने की थी? कोलंबस ने, आपको पता है। ठीक है, ये तो कोलंबस की बात हो गई। अब देखिए, बात हो रही है आपकी अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है,
यहाँ पे आपको पता ही होगा कि अमेरिका से भी हाल ही में भारत ने बहुत सारे रक्षा उपकरणों को लेने का फैसला किया है, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अमेरिका में आपको ध्यान रखना है, जैसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि न्यूफाउंडलैंड का खोज किसने की, तो इसका जगह अमेरिको बेस्चुपी, किसने, अमेरिको बेस्चुपी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे, भारत के रेलवे मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल है। अच्छा, अभी रेलवे मंत्री की बात पूछ रही है, तो आपको तीन चार मंत्री के नाम और भी याद रखने हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मंत्री, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ का हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री, हमारे भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, और भारत के वित्त मंत्री कौन है, ये निर्मला सीतारमण, और भारत के विदेश मंत्री कौन है, वो है आपके कौन है बताइए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार फिर से आपको जो भी मैं पूछ रहा हूँ उसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि वो हमेशा के लिए लर्न हो जाए। तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, और विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर, कौन है, एस जयशंकर। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि और इतनी सारी चीज़ें हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन एयरफोर्स की कमान कितनी है, सात है, सही बात है। अच्छा, अब बात हो रही अपने इंडियन एयरफोर्स में, जिसमें आपकी वर्दी मिलेगी, तो यहाँ इसके अभी चीफ कौन है, इसका चीफ है आरकेएस भदौरिया, कौन है, आरकेएस भदौरिया, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ ध्यान से इसको देखिए। और उसके बाद से अगर बात करूँ तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932, कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1932, और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स डे हम लोग कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आई थी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने एक हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया था, जिस ऐप के माध्यम से आपकी जो भी वैकेंसी निकलती है, उन सारी वैकेंसीज को या और भी सारी चीज़ें हैं जिसकी एयरफोर्स की हिस्ट्री है, उन सारे को आप उस ऐप के जरिए देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इतना, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला जज कौन है, सईद तालीरा शहीद सफीदर, भारत की नहीं है एक्चुअली में, ये पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान की पहली महिला, भारत की तो आपको पता है, भारत की पहली महिला जज कौन है, और आपको अन्ना जार्ज आपको मालूम होगा, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। लेकिन आप पाकिस्तान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान की कौन जाएगी, सईद तालीरा शहीदर। बात हो रही है पाकिस्तान की, तो देखिए अब पाकिस्तान और भारत के बीच एक कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, कौन लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्यूबा की राजधानी कहाँ है, हवाना। देखिए एक अक्सर बहुत सारी कंट्रीज के यहाँ पे राजधानी पूछ लेता है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में भी आया क्वेश्चन आया था, और साथ में इंडियन नेवी में बहुत सारी अलग अलग कंट्री के राजधानी पूछ ले जाते हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अलग से एक कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री का और राजधानी का एक वीडियो लेकर आऊँगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो। अच्छा, इसके साथ ही दो तीन कंट्री का आप इंपॉर्टेंट राजधानी जान लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मंगोलिया का राजधानी कहाँ है, उलान बटेर, रूस का राजधानी कहाँ है, मास्को, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और बाकी सब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट कंट्री थे जो बार एग्जाम पूछ जा चुके हैं, उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है, जैर बोल्सोनारो, ठीक है, जैर बोल्सोनारो है, और यही हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब बात थोड़ी यहाँ पे ब्राज़ील की, तो राष्ट्रपति की, तो आपको केवल एग्जाम जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको केवल ब्राज़ील का ही पूछेगा, और भी कंट्री है जो पूछ सकता है, तो यहाँ पे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए रूस के अभी, अब मैं बात करूँ तो रूस के अभी पीएम कौन है, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। चीन के कौन है, सी जिनपिंग, आपको पता होगा। बांग्लादेश के भी पीएम कौन है, शेख हसीना, ठीक है। तो ये कुछ तीन चार कंट्री, और अमेरिका का पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हैं, और शेख हसीना बांग्लादेश के पीएम हैं। तो इतनी इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है, और ये सारी जानकारी जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उससे संबंधित है। हो सकता है कहीं ब्राज़ील पिछला पूछा गया था, इस बार रूस पूछ ले, फ्रांस पूछ ले, तो प्लीज़ आप इसको प्लीज़ लर्न जरूर कर लीजिएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये आपका ऋग्वेद, ठीक है, तो ऋग्वेद है।
अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, स्टेचू ऑफ इम्यूनिटी की लंबाई कितनी है? देखिए इसका लंबाई है आपका 182 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंडियन एयरफोर्स के जो 14 मार्च को एग्जाम हुआ था मॉर्निंग सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बात करूँ तो ये जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, ये आपका किसके नाम के किसके नाम किसकी मूर्ति यहाँ पे, तो यहाँ पे मूर्ति है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और ये किस बांध किनारे बन रहा है? तो सरदार सरोवर बांध के किनारे। और ये कहाँ बन रहा है? गुजरात में, आपको पता होगा। अच्छा, गुजरात में तो बन चुका है। और यहाँ पे ये किस जिले में बना है? तो ये बना है नर्मदा जिले में, ठीक है। और इस मूर्ति की अगर बात करूँ तो इसके रचनाकार कौन थे? राम सुधार बन जी। तो इस देखिए, अगर पिछली बार आपके एग्जाम पूछा था स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में, तो इस बार ये भी पूछ सकता है कि इसमें किसकी मूर्ति है, ये कहाँ बनी है, ठीक है, किस जिले में बनी है, इसके रचनाकार कौन है, इसका और इसके उद्घाटन किसने किए थे? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको अनावरण किए थे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर मैं आपको चाहूँ तो मैं आपको उनका फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। देखिए हम तो देखिए वही ये मूर्ति है, आप भी देख सकते हैं, बहुत लंबी मूर्ति है, 182 मीटर इसका ऊंचाई है। और ये किसके नाम है? तो सरदार वल्लभ पटेल के नाम थे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे देखिए ऋग्वेद की कितने मंडल है? 10 मंडल। और ये इसकी रचना कौन किए थे? विश्वामित्र, ठीक है। और इसके 9वें मंडल में जो है उसमें सोमदेवता का उल्लेख है, तभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात है ऋग्वेद की, एक कौन सी वेद है जिसको जो गद और पद दोनों में रचना की गई है, वो कौन सा वेद है? वो है आपका यजुर्वेद, तभी आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेद से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए और सारी चीज़ों को लर्न कर लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। यजुर्वेद बात कर ली, उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछता है कि संगीत का चर्चा किस वेद में है? तो संगीत संबंधी वेद कौन सा है? सामवेद। और एक बार पूछता है कि जादू टोना का या अर्थशास्त्र से संबंधित वेद कौन सा है? वो है आपका अथर्ववेद, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गौतम जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वेद की बात हो रही है, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ठीक है। और ग्रंथ कितने हैं? 18 हैं, ठीक है। और सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? आपका महाभारत, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी रचना किसने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। रामायण रचना किसकी थी? महर्षि वाल्मीकि, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वेद व्यास रचना की थी महाभारत की, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी सी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया था गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका लुम्बिनी में, लेकिन एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई और भी क्वेश्चन संबंधित जानना है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपका पूर्ण मैंने संपूर्ण विश्लेषण कर रहा हूँ, एनालाइज कर क्वेश्चन को समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और पढ़ो वहीं जो एग्जाम में आए, ठीक है, ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम अगर तुम आप दे रहे हो किसी भी यूट्यूब पर या किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी टीचर को, आपको वही चीज़ पढ़ाए जो एग्जाम से संबंधित हो, ठीक है। तो अब इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, अगर मैं इतना ही कहकर आगे बढ़ जाऊँ तो इससे आपके साथ धोखा होगा, मैं इसके साथ और भी क्वेश्चन रिलेट करके बताऊंगा। जैसे देखिए गौतम बुद्ध का जन्म तो पता है लुम्बिनी में हुआ था, कब हुआ था? 563 ईसापुर में, ठीक है। और ये प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ये सारनाथ में दिए थे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम विभिन्न एग्जाम में पूछ जा चुका है, तो ये लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ बात करूँ तो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, और इनके कौन सी भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे, ठीक है, ये को ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, ये मतलब कहाँ पे मरे, इनकी मृत्यु होगी आपका कुशीनगर में, ये आपको ध्यान रखना है। इनके बेटा का नाम क्या था? राहुल था। कितने वर्ष में घर छोड़े थे? 16 वर्ष को घर छोड़े थे, ये को ध्यान रखना है, ठीक है। और उनकी और चूंकि इनकी माँ बचन मर गई थी, तो इनकी जो पालन पोषण था वो किसने की थी? वो की थी प्रजापति ने, ठीक है, तो भी आपको ध्यान रखना है। और गौतम बुद्ध की बारे में बात करूँ तो जैसे आपको बात करूँ तो गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? महावीर भी थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि एग्जाम चूँकि ऑनलाइन होता है, तो क्वेश्चन कलेक्ट करने में रियल क्वेश्चन है, आपको जो भी बताया हूँ वो 100% रियल क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो को जरूर लाइक, अगर आपको इसमें लगता है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है, एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ताकि मैं आगे भी वीडियो लाऊंगा तो आप खुद आप तक पहुँच सके, आप इसका फ़ायदा ले सकें। और मुझे बताएं जरूर कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा,
सीरीज आपको कितना हेल्पफुल होगा एग्जाम में आप समझ सकते हैं। थैंक यू।